नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल फेसबुक पे ऐसे ही मैंने एक अपडेट किया कि बहुत आंधी आई है और बत्ती भी गुल है, आपके शहर में क्या हाल है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम सब परेशान हैं। तो दोस्तों, आप अकेले ही परेशान नहीं हैं। इस समय 12 राज्यों में बिजली सबको रुला रही है, वो भी गर्मी में। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो लुकाछुपी हो रही है, अगर आपका जवाब हाँ है, आपका भी जवाब हाँ है, तो इसकी तह में जब मैं जाती हूँ तो पाती हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में बिजली का संकट चल रहा है। अखिल भारतीय बिजली इंजीनियरिंग महासंघ ने 12 राज्यों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनाने की चेतावनी दी है और उन्होंने इसके लिए अपनी कुछ वजहें भी गिनाई हैं। कोयले की कमी है और सरकारी पावर प्लांट नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जगह पर कोयला जो है सही से नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मंत्रालय की वेबसाइट पे गर्मी के दिनों में बिजली की कटौती की वजह हाइड्रो पावर यानी पानी से तैयार होने वाली बिजली की कमी को बताया गया है और नदियों में पहाड़ों से आने वाले पानी की कमी की वजह से इन दिनों हाइड्रो पावर प्लांट अपने कैपेसिटी से महज जो है 30% या 40% ही बिजली पैदा कर पा रहे हैं। अब अचानक बिजली का संकट हो रहा है तो भारत में टोटल बिजली का जो प्रोडक्शन है वो 70% जो है कोयले के जरिए होता है और ऐसे में कोयला कमी की वजह से ज्यादा बिजली की मांग होना जाहिर सी बात है। और एक रिपोर्ट पे अगर गौर करें तो 2021 में हर महीने बिजली की मांग 124.2 बिलियन यूनिट थी और अब 2022 में गर्मी आते आते ये बढ़ करके 132 बिलियन यूनिट हो गई है। यानी कि कितना सारा गैप हो गया है, कितना फर्क आ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोल मैनेजमेंट टीम ने पावर प्लांट में कोयले की कमी होने की 3 वजह बताई है, वो भी आप जान लीजिए। रूस यूक्रेन जंग की वजह से कोयले के दाम में काफी इजाफा हुआ है, ऐसे में सरकार ने रूस और दूसरे देशों से कोयले की आपूर्ति कम की है। जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 के दौरान कोयले का जो आयात हुआ है वो केवल 173.20 मिलियन टन हुआ है। इस तरीके से इस साल कोयले का जो आयात है उसमें लगभग 16% की कमी देखी जा रही है और सप्लाई चेन अगर अच्छी ना हो तो उस वजह से अचानक से कोयले की मांग भी बढ़ जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि पावर प्लांट में कोयले की कमी हो जाती है। कोयले पे सरकार काफी काम कर रही है। कोल इंडिया लिमिटेड ने पावर प्लांट में कोयले की हो रही कमी को देखते हुए सबसे पहले सप्लाई चेन को बेहतर करने का फैसला लिया है। इसके लिए ट्रेनों के जरिए पावर प्लांट को कोयले की सप्लाई दी जा रही है। प्राइवेट कंपनियों में सिर्फ ट्रकों के जरिए कोयला पहुंचाया जा रहा है। और सबसे खास बात, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके ये कहा है कि कोयला प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, ये उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। अब ये भी जान लीजिए कि इसकी जो समस्या है वो कब तक खत्म होगी। बिजली की मांग 38 साल से चल रही है लेकिन इस समय उसका ग्राफ काफी ऊपर देखा जा रहा है। इससे ये लग रहा है कि गर्मी के बाद ही बिजली का जो कट है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ राज्यों में तो बिजली संकट की स्थिति मई महीने के अंत तक रहने की बात कही जा रही है और इसकी वजह वही है, पावर प्लांट में कम कोयले का स्टॉक। अब
एक और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि ऐसे में बिजली की जो कीमतें हैं उनका क्या होगा। तो एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2022 में बिजली की कमी 0% से बढ़ करके 1% हो गई है, और इसका नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2022 की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ राज्य में 15 पैसे की वृद्धि की है। यही नहीं, एनर्जी एक्सचेंज के मुताबिक बिजली की खपत जो है 13 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंची हुई है। इस वक्त बिजली की औसत खरीद जो है वो 8.23 रुपए प्रति किलो आवर्स है, और ये मार्च 2021 की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। ऐसे में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बिजली नियामक कंपनियों ने इनके रेट बढ़ाने के पहले से ही संकेत दे दिए हैं, और आने वाले टाइम में सरकार इसके लिए कुछ सोच रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि बिजली के कट से आपको मुक्ति मिले। केंद्र सरकार ने कोयले की कमी से होने वाले बिजली संकट या ब्लैकआउट की समस्या को परमानेंटली खत्म करने के लिए एक प्लान भी तैयार किया है। इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2030 तक 280 गीगावाट सोलर पावर पैदा करने का एक टारगेट रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 25 गीगावाट बिजली प्रोडक्शन करने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। तो लेट्स होप बेटर आने वाले दिनों के लिए, लेकिन ये हो सकता है कि मई के महीने तक आपको इस समस्या से जूझना पड़े, यानी कि कट आता रहेगा जाता रहेगा और आपकी गर्मी थोड़ी सी और गर्म हो जाएगी। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और खबर के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।